Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take another example of functions. So let's start with our header file. कल जो हमने प्रोग्राम किया था फंक्शन ओवरलोडिंग का वो विदाउट क्लास के हम मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो सिंपल फॉर्मेट में था. अब मैं उसको विद क्लासेस के अंदर आपको करके दिखाऊंगा कि उसको हमें क्लास के अंदर किस तरह से करना है. सबसे पहले आपने जो अपनी हेडर फाइल थी दोनों यहाँ पर ले लिए. अब मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ. क्लास मैंने एक्स वाई जेड के नाम से ले ली. मुझे यहाँ पर अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. मतलब मैं अभी नंबर मतलब प्रोसेसिंग को नहीं लेके चल रहा हूँ. तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में करेंगे तो प्रोसेसिंग को अगर नहीं लेके चल रहे हैं तो मैं ऊपर प्राइवेट वेरिएबल्स नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट फंक्शंस पे काम करूँगा. तो यहाँ पर हमने फंक्शन L1 ले लिया. राइट, अगेन L1 ले लेता हूँ. जिसके अंदर हमने इंटीजर A ले लिया, सिंगल पैर वैल्यू, सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन. दोबारा आए, मैंने L2 लिया, इंटीजर A कोमा इंटीजर B, ये ले लिया हमने. L3 ले लिया, इंटीजर A कोमा इंटीजर B कोमा इंटीजर C, हमने ये ले लिया. ये करने के बाद हमने अपनी क्लास यहाँ से बंद करी. अब आपने यहाँ पर अपनी क्लास की शुरू करना है इंटीजर. हमने एक्स वाई जेड के अंदर एक L1 नाम का एक फंक्शन यूज़ कर लिया जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं था. सो इसको करने के लिए आपने क्या किया, न्यू लाइन में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब इस जगह के ऊपर आपने क्या किया, L1 नाम का फंक्शन लिया जिसके अंदर सिंगल आर्गुमेंट वैल्यू थी. सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मैसेज दे दिया आउट न्यू लाइन में ए इज इक्वल टू ए के सामने ए की वैल्यू शो करी. इसके बाद एक्स वाई जेड लिया, L1 ले लिया, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी लिया. यहाँ पे लिया न्यू लाइन में डबल आर्गुमेंट. हमने यहाँ पर सी आउट ए के सामने ए की वैल्यू शो कर दी. सी आउट बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू शो कर दी.
यहाँ पर लिया वाइट, हमने उस चीज़ को एक्स वाई जेड के अंदर मैंने एल वन लिया, जिसके अंदर मेरे पास तीन पैरामीटर्स थे, इंटीजर बी और इंटीजर सी। अब तीनों की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर साइड बाय साइड शो करनी है, तो मैं उसके लिए शो करूँगा यहाँ पर। तो आपने क्या किया, इस जगह के ऊपर सी आउट न्यू लाइन ले ली, फंक्शन मल्टी वैल्यूज, ठीक है। अब इसके लिए आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ए के सामने ए की वैल्यू दे दी, बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू दी, यहाँ पर सी इज इक्वल टू और आपने यहाँ पर सी की वैल्यू दी। अब मुझे यहाँ पर अपना मेन चाहिए वाइड, आपने मेन लिया यहाँ पे आए। आपकी जो क्लास थी एक्स वाई जेड थी, हमने जेड बना दिया, स्क्रीन को क्लियर किया। जेड के अंदर आपने पहले तो मैं कहता हूँ कि वो फंक्शन कॉल करो जिसके अंदर सिंपल थी, फिर वो वैल्यू करो जिसके अंदर सिंगल वैल्यू, फिर अगेन लाइन को कॉल कर दिया, फिर एल वन के अंदर वो कॉल किया जिसके अंदर दो नंबर थे, या आपने एल वन लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट एल एल वन लिया, यहाँ पर 10, 20, 30, लास्ट के अंदर आपने एल वन लिया और यहाँ पर आपने गेट सी एच करके उसको बंद किया। देखिए यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक एरर आ रहा है, आप जब ऊपर गए हैं सबसे पहले देखिए एरर है क्या। मैं आपको एक एरर में जानबूझ के एरर किए हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, इलीगल यूज़। कारण बताइए मेरे को, आपने डबल कोट्स ले लिए, सी आउट ले लिया, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप कंट्रोल एफ नहीं, देखिए इस जगह के ऊपर इस लाइन का मतलब क्या है, कहाँ पे कह रहे हैं मेरी इस जगह पे कह रहे हैं। क्या आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक की है बताइए। देखिए यहाँ पर जो कारण है इस क्लॉजेस के अंदर, देखिए आपने यहाँ पर वाइट एक्स वाई जेड क्लास थी, एल वन कॉल कर लिया, वाइट एक्स वाई जेड, ठीक है। आपने यहाँ पे किया ए बी सी है, नीचे आ पाए, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से भी यह चीज़ नहीं चल रही है। हर जगह पे आपको सेम ही चीज़ लेके चल रहा है, वो हमेशा बैक स्लैश के अंदर आपको कह रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया। इसकी वजह जो है क्या हो सकती है बताएंगे आप, एनीबॉडी एल्स जो भी ऑनलाइन है आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और आप मुझे बताइए इसके अंदर ऐसी क्या दिक्कत आई है जिसकी वजह से हमारे पास ये इलीगल एरर्स देने शुरू कर दिए हैं। या तो हमारे प्रोग्राम की कोई दिक्कत है या फिर आपके एग्जीक्यूशन में है। ये आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप बताइए, नहीं मैं बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर टू क्यों आया और थ्री क्यों आया, ये देखिए आपके एरर मैंने सॉल्व कर दिए। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखिए छोटी सी मैंने मिस्टेक ही जानबूझकर और आप उसको पकड़ नहीं पाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चीज़ को आप थॉरली रीड करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक आप इन फंक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हल्की सी मिस्टेक आपके प्रोग्राम को उठा के साइड पर कर देंगे। सो आई रिपीट,
कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, अभी आप एक क्वेश्चन और लेके चलूँगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या एरर्स आ सकते हैं और किस तरह की वर्किंग आपको करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.